नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयवीर चौधरी आपके अपने YouTube चैनल लेट्स एंजॉय हिंदी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आया हूं मैं कोठी मीना बाजार ग्राउंड, जहां पर 20 अगस्त से 10 सितंबर तक और मेला महोत्सव ये लगा हुआ है। और इस मेला महोत्सव में आप हर प्रकार के आइटम की शॉपिंग कर सकते हैं और उसके साथ साथ झूलों का आनंद भी ले सकते हैं और खाने का स्वाद भी ले सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए दोस्तों, आप मेरी वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, चलते हैं मेले के अंदर और देता हूँ पूरी जानकारी। यहाँ टिकट काउंटर से दोस्तों पर पर्सन 10 रुपये की टिकट लेकर और आप इसके के अंदर एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ आपको बच्चों की टिकट नहीं लेनी है। और देखते हैं इसके अंदर, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको हर प्रकार की स्टॉल मिलेगी, जिसमें आपको कपड़े भी मिलेंगे, कपड़ों के साथ साथ और भी हर प्रकार के आइटम आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये वाला दोस्तों बिल्कुल नया आइटम इसके अंदर आया है, जहां राउंड में घुमा के और यहां सेल्फी ली जाती है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसका भी आनंद आप यहां पे ले सकते हैं। और यहां पे एक्सपोर्ट क्वालिटी के लेदर के शूज़ मिलते हैं। और ये वाली स्टॉल दोस्तों यहाँ कोठी मीना बाजार ग्राउंड में लगने वाले हर मेले में ही लगती है, तो वही पुरानी दुकान है। और इसके साथ साथ दोस्तों पूरे रेडीमेड गारमेंट के साथ साथ लेडीज़ के कॉस्मेटिक के, बच्चों के टॉयज़, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्रॉकरी के आइटम और होम अप्लायंस के जितने भी आइटम होते हैं, ये सभी के स्टॉल आपको देखने को मिल जाएगी। और इधर आप देख सकते हैं ये सिल्क की साड़ियाँ, ये 150 और 250 रुपये में आपको ये साड़ियाँ मिल जाएंगे। और आगे वीडियो आप देखते रहिए। ये दोस्तों बच्चों के टॉयज़ की स्टॉल है और यहाँ पे बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ मिल जाएंगे आपको, और जो भी न्यू लॉन्च हैं वो सभी आइटम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी स्टॉल है। और रक्षाबंधन त्यौहार का टाइम है दोस्तों, और जो भी मेहमान आपके यहाँ पर आएँ और आप यहाँ पर घुमा सकते हैं और बच्चों को झूले झुला सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी अच्छा मेला लगा हुआ है, तो यहाँ आकर और इस मेले का आनंद आप ले सकते हैं। इस वाली स्टॉल पर दोस्तों लेटेस्ट डिज़ाइन में आपको टॉप, लेगिंग, जैगिंग, लोअर और ये सारे आइटम यहाँ पे मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये दोस्तों कैमल राइडिंग है, और यहाँ पे 50 रुपये की टिकट लेकर आप बच्चों को कैमल राइड करा सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों इधर ये होम अप्लायंस के जो भी आइटम है वो सारे आपको मिल जाएंगे, और इधर ये ज्वेलरी, तो यहाँ पे आपको हर प्रकार की स्टॉल मिलेगी, आपको जिस तरह की शॉपिंग करनी है आपको उस तरह की स्टॉल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और इधर आप देख सकते हैं बच्चों के लेटेस्ट टॉयज़ हैं और काफ़ी कम रेट पर हैं, जो मार्केट में आपको 250 रुपये में मिलता है, यहाँ पे आपको 150 रुपये के आसपास आपको वो आइटम मिल जाएगा। और इधर दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये क्रॉकरी की स्टॉल लगी हुई है और ये भी लगभग हर मेले में लगती है, तो यहाँ से आप जो भी ज़रूरत का सामान है वो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और इधर दोस्तों ये डेकोरेटिव आइटम है, और ये दोस्तों सहारनपुर वालों के लकड़ी के आइटम की स्टॉल लगी हुई है, यहाँ पे आप लकड़ी के सोफ़ा, टेबल, चेयर और जो भी आइटम खरीदना चाहते हैं वो यहाँ से खरीद सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये राजस्थान के अचार वालों की स्टॉल है, यहाँ पे आप हर प्रकार का राजस्थानी अचार ले सकते हैं, जो 60 रुपये का 250 ग्राम आपको मिल जाएगा। तो ये भी स्टॉल लगभग हर मेले में ही लगती है, तो यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं।
और ये आप देख सकते हैं, ये नमकीन भुजिया पापड़ की दुकान। और अब दोस्तों हम आ गए हैं फूड कोर्ट एरिया में, और यहाँ पे आप खाने का स्वाद ले सकते हैं। और ये वाली जो स्टॉल है, कुल्लड़ पिज्जा वाली स्टॉल, ये इस मेले में पहली बार ही लगी है, तो आप पिज्जा कुल्लड़ का आनंद ले सकते हैं। और इधर ये परांठे वालों की स्टॉल है, यहाँ पे आप हर प्रकार का परांठा ले सकते हैं और रेट भी रीजनेबल हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो आपको दोस्तों जो चीज़ आपको चाहिए, जो आइटम चाहिए, आपको हर प्रकार की स्टॉल यहाँ पे मिल जाएगी। और उसके साथ साथ बच्चों के फन करने के लिए यहाँ पे हर प्रकार के झूले हैं, और झूलों के साथ साथ यहाँ के खाने का भी आप पूरा आनंद ले सकते हैं, पूरा स्वाद ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए, और जो भी मेहमान इस त्यौहार पे आ रहे हों तो आप उनको भी यहाँ पे घुमा सकते हैं और अपने आगरा शहर का ये मेला दिखा सकते हैं। और इधर दोस्तों अब हम आ गए ये झूलों वाले एरिया में, तो इधर ये भूत बंगला लगा हुआ है, मैंने भी देखा, लेकिन इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं, 40 रुपये की टिकट के साथ आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और बाकी के बच्चों के ये जो झूले हैं, ये कई टाइप के यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आप बच्चों को यहाँ झुलाकर और बच्चे भी यहाँ पे आनंद ले सकें। इधर दोस्तों आप बच्चों को बोट राइडिंग करा सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों इधर सूरज सुपर सॉफ्टी वालों की ये स्टॉल लगी हुई है, काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पे आप खाने का आनंद ले सकते हैं। और अब मेले से एग्जिट होते हैं दोस्तों, और जो भी मेले के अंदर स्टॉल थी वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का प्रयास किया है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।